सारे भैया ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। जींद हाँ, कोरोना में ज़्यादा सब बाहर तो जा नहीं रहे, तो जींद हाँ तो सोचा जींद की कुछ समस्याओं पर फोकस कर ले। वहाँ भाई जब रानी तालाब की तरफ मैं घूम रहा था तो भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा था। उधर से गुरुद्वारा साइड जाएँ तो रोड मेन रोड पर जाएँ तो भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है, और उधर फाटक पर आ जाऊँ फिर उन्होंने से घूम कर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। तो सोचा इसका कारण क्या है, सरकार को बहुत मान लग रही है। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, सरकार ने बहुत अंडर ब्रिज भी क्या कर रहे हैं, नीचे को पुल हुआ कर रहे हैं, वो भी खूब बना रही है सरकार, तो कमी कहाँ है। जींद में पहले एक भी पुल नहीं था, तो अब भाजपा ने इतने पुल बना दिए, इतने पुल प्रोसेसिंग में भी हैं तो उनकी भी सीमा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बहुत काम होने लग रहा है, फिर भी इतना जो जाम लग रहा है, भीड़ भाड़ जो लग रही है, उसका कारण क्या है। उसका कारण मेरे एक समझ में आया, मैं अपनी एक दुकान है केमिस्ट की, सफेदों रोड पर उनकी क्या कर रहे हैं, दलमवाड़ा हॉस्पिटल के साइड में, तो वहाँ बैठा था। वहाँ से जो रजभाई रोड बना दिया एक, वहाँ से निकला दलमवाला होटल को क्रॉस करा, उसके बाद फिर गोहाना रोड आ गया दूसरा रोड, दूसरे रोड से फिर मैं उसी रोड से फिर आगे निकला तो टुटमा फुटमा भूडा रास्ता जमा गति, वो फाटक के नीचे का जो पुल बनाया है नीचे को, उसके नीचे आया तो और ज़्यादा जमा खराब रास्ता था। फिर उधर से मैंने रोहतक रोड क्रॉस कर लिया, उसी रास्ते से फिर मैं आगे आता गया, मेरे आते टाइम राइट साइड में एक स्लम बस्ती भी है, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, बारिश हो जाए तो इतने मच्छर वहाँ वहाँ पर इतनी जनता रवे भी है। तो चलो खैर अब उसके बारे में, स्लम में बस्ती के बारे में भी फिर कभी बात करेंगे। वहाँ से आगे आया तो एक ही साइड का रोड, यानी कि दोनों साइड के रोड बन रहे हैं, एक ही साइड का रोड जमा बहुत बुंदी हालत, जमा ख़त्म रास्ता। फिर वो रोहतक रोड भी क्रॉस कर लिया, रोहतक रोड से फिर मैं जब उसी रोड पर आकर चला तो लोग भिवानी रोड पर जाने के लिए बीच में से गली निकला है, उस गली में से फाटक पर आ जाऊँ है, मैं फिर भी उस गली में नहीं घुसा, फिर आगे आया। आगे आने के बाद इस रेलवे पटरी पर पहुँचा, तो मैं यहाँ से बताऊँ तो दो तीन किले आगे जाके भिवानी रोड आ जाऊँ है, कमी हल्की सी रहेगी। जो जो फाटक है रेलवे पटरी जो है इसके नीचे को पुल बनाना मेरे ख्याल से भूल गई सरकार। हालांकि यहाँ पर कई बार इंसिडेंट भी आए हैं, कभी आदमी से मैं पूछी है बात जी अरे की शुरुआत नहीं कर रहे, तो किसी ने बताया भी कि यहाँ पर दो तीन बार आ लिए इंसिडेंट उठा के, लेकिन शायद हो सके उनकी कॉपी खुल गई जिसमें वे साइज लिखते हैं तो इसलिए बन नहीं पा रहा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, और अगर सिर्फ यो पुल बन जावे, नीचे का बना दो या ऊपर का बना दो, अगर यो पुल बन जावे जींद की इतनी समस्याएं ख़त्म हो जावे, इतना भीड़ भड़ाका वाली जगह ख़त्म हो जावे और इतनी सहूलियत हो जावे आदमी ने, जो बस स्टैंड पे है वहाँ से लोग रानी तालाब से रावगढ़ तक घूम का हुआ है, बहुत लंबा रास्ता, अगर सीधा रास्ता बना दे तो इतना फास्ट काम यहाँ पर चले। यहाँ के रोड की अगर मैं स्थिति दिखाऊँ, बहुत जमाकती असमंजस की स्थिति है, यो बीच में से ख़राब सा रास्ता है, साइड साइड में पुल सा बना रखा है, और सच्ची बात यह है कि भाई बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति यहाँ की हुई है। मैं चलूँगा अभी गाड़ी में बैठ कर चलाँगे तो मैं आपको दिखाऊँगा भी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं तो खैर भाई क्यों थे, मैं अल्टो का ही अल्टो गाड़ी ले रहा हूँ, उससे नहीं ले जाऊँ जिसको रब बना है भाई, बड़ा टेढ़ा काम हो रहा है। और कोरोना की बीमारी चल रही है तो सारे काम रुके भी खड़े हैं, पर अभी स्थिति बड़ी ख़राब है। हालांकि ये स्ट्रीट लाइट लगा रखी हैं, ये जले भी हैं, एक आधी बार कोई बल्ब बल्ब फ्यूज हो जाता है अलग बात है, उस बात का बड़ा सा इशू आप बनाते नहीं, लेकिन अगर यो पुल बन जावे, नीचे को बन जावे या कहीं को भी बन जावे तो बहुत सहूलियत हो जावे। सरकार कब सोचेगी, हमारे विधायक जी कब सोचेंगे। वैसे विधायक जी एक्टिव बहुत हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़ा सज्जन पुरुष हैं, लेकिन कई बार मेरे गुरुजी क्या करते, उस सोने का के फ़ायदा जो कना ने कटा है, सही बात है भाई। तो अगर ऑनेस्टली हमारे जो विधायक जी बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन काम की स्पीड बड़ी स्लो है ना, काम बहुत कम स्पीड से हो रहा है। जब मैंने याद है सुन 2019 की बात, जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था तो कह रहे थे भाई यू बाई इलेक्शन खट्टर साहब कह गए थे, जब यू बाई इलेक्शन हमारे विधायक ने जिता दो जनता तो इस जींद ने पेरिस बना देंगे भाई, हमने तो जींदे चाहिए, पेरिस तो बने को नहीं। तो लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, मैं आपको पेरिस का रास्ता दिखाऊंगा, पेरिस
इस 1.5 साल में कितना इम्प्रूव हुआ, कितना बना। और सच्ची बात है, अगर यो नीचे का पुल बन जाता ना तोड़िए, तो बहुत अच्छी स्थिति हमने देखने को मिलती हमारी जींद की। फिर भी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंची टेप जिसमें वे साइज लिखा करते हैं, वो कापी कितिया ना कितिया सरकार की खूज आवा है, फिर वो बोर्ड का साइज लेना आवा है। तो चला भाई आगे आगे चल कर ये स्थिति दिखाते हैं हमारे पेरिस की, जो 1.5 साल पहले खट्टर साहब कह गए थे भाई हमारा पेरिस बनेगा जींद। तब तक वेट एंड वॉच। तो भाई आप भिवानी रोड वाले रस्ते पर ही, हाँ एक यो एक रोड सा जावा है जो भिवानी रोड पर जुगाड़ पर बना देवा है। वैसे कोई मेन सा रास्ता नहीं है, पर लोग काम चला रहे हैं जुगाड़ ही, हम वहाँ जुगाड़ कितिया ना कितिया तो काट ले वहाँ। और ये देखो भाई रास्ता कितनी स्थिति खराब है यहाँ के रास्ते की। बाकी बड़े आदमियों खातर भाई या गाड़ी कुछ नहीं होगी शायद, मेरे खातर तो लैम्बोर्गिनी रकम नहीं है। फिर भी अगर बात करें इस रास्ते की तो भाई मेरी लैम्बोर्गिनी खराब हो जाए। ये देखो भाई कितना कीचड़ है यहाँ पे। सरकार सच्ची में इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान कम दे रही है। वोटिंग का टाइम हुआ है, उस टाइम पे तो जमा माँ की अर बब्बू की अर भगवान की सब की नेम खाली हैं भाई, करावांगे काम, लेकिन काम उंदा को नहीं भाई। फिर भी हमारे विधायक जी बड़े शरीफ हैं, नेक दिल हैं, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। लेकिन अगर बात करा रोड की तो बहुत, मैंने 2 बार मेरी गाड़ी के टायर चेंज करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यो रास्ता है, अब यो गाड़ी वाला भी मेरा भाई कित को कटेगा है, एक ने तो कीचड़ में को लेनी थी। तो भाई आप यो रास्ता है भाई, देखो कैसे यहाँ को आए कोई, कैसे ना आए। अब इसने कौन नु कह दे पक्का है, कौन नु कह दे कच्चा है, यो किमे भी को नहीं। बड़ी दयनीय स्थिति है मेरे जींद के उस पोर्शन की, जो बस स्टैंड से परली साइड के लोग, गोहाना रोड से परली साइड के लोग कभी साइड आए नहीं होंगे, आए होंगे तो मेरे वर्ग आए होंगे या जिनका कोई काम धंधा होगा, नहीं तो यो साइड तो किसी ने देखी भी नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये आ गया जी रोहतक रोड, और ये रोड धुरतक बिल्कुल बदतर स्थिति में है, बड़ी जमा टुच्ची स्थिति में, जिसने बोल रहा भैया रोहतक रोड है भैया। हम फिर से उसी रास्ते से आगे चले हाँ। अब यो देखो हमारे जींद की स्थिति, ये इतने बड़े बड़े जुगाड़ नुए पड़े हैं। देखो भाई स्थिति ये स्थिति देखो, परली साइड का इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। और देखो ये बड़े बड़े महंगे महंगे पिलर बनवाए होंगे, अरे ये भाई इतना तो ढक्कन खुला है इसमें, एक आदमी एक बालक डूब जाए तो पावा कौन भाई, इतने महंगे महंगे पिलर बनवाए थे टूटे पड़े हैं। और बात कर ले वहाँ सरकारी महकमे तो भाई ये नुकसान क्यों होने लग रहा है, उनके पास जवाब नहीं है। जवाब तो ये है जी हमारा डिपार्टमेंट नुकसान में चल रहा है। बड़ी स्थिति ये है, 1.5 साल पहले हमारे जिले को पेरिस बनाने का वायदा किया था भाई, हम तो चाहते थे रोड बन जाए वहाँ पेरिस तो ना। लेकिन हमारे विधायक बहुत शरीफ आदमी हैं, जेंटल हैं जी, बिल्कुल कोई एलिगेशन नहीं है उनके ऊपर, उनसे बात कर रहा हम कई बार मिला हाँ, बड़े दिल खोल कर बात कर रहे हैं, नेक दिल आदमी हैं जी। लेकिन ये रोड जो है ना वो उस दिल को समझता नहीं। अब आ गया जी ये रोड जो जींद में एक पुल बना था और नीचे नीचे को
अब ये स्थिति देखो जी यहाँ की। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर गाड़ी की ब्रेक मार लिए जाए और इधर जो एक बस्ती है उसको देखने भी चलें, स्थिति भी देखें और गरीबों की बात हम सुन भी लें। भाई इसको पकड़ो थोड़ा सा। तो जी ये वो मैं बस्ती बता रहा था जो यहाँ पे है, और इस बस्ती में तो खैर सरकार के ध्यान दोगी, शायद ये वोटर नहीं है इसलिए, तो जो वोटर हैं सरकार उसी पे ध्यान नहीं दे पाती है, तो फिर भी लगते नहीं मेरे को वोटर होंगे। ये रोड है भाई बड़ी ज़बरदस्त स्थिति में है, ये हमारा पेरिस की वो जगह है, यहाँ पे तो आके यूँ लगा जकर मैं चंद्रमा पे आ गया है, उड़े भी बड़े बड़े खड्डे पाँव है ना। तो ये बस्ती है और बस्ती के लगते ही इतना पानी, यहाँ पे स्थिति बड़ी खतरनाक है, मलेरिया के चांस, मलेरिया खतरी होने के भी चांस हैं क्योंकि बारिश का ही मौसम हो गया और ये पानी अड़ खड़ा रहा है। और ये वो गरीब हैं जिनके बारे में ध्यान कोई नहीं रखता। चलो जी थोड़ा सा और आगे और चलते हैं। अब गाड़ियाँ यहाँ से लाई जा रही हैं, जुगाड़ सा रास्ता बनाया जा रहा है, इधर बालाजी मंदिर है वहाँ से रोहतक रोड से, और वहाँ से ही गाड़ियाँ आवे हैं। अब देखो जी ये छोटे छोटे बच्चे, इनके अभी यहीं पर कितना बुरा हाल है कीचड़ का, और कैसे यहाँ पर रहन रहे हैं, बड़ा मुश्किल जीवन है, ये भी बात करते हैं। भाई राम राम। और जी ठीक हो? क्या कुछ काम किया करो? बस यही है जी, दाड़ी मजदूरी। दाड़ी मजदूरी ये कोरोना चल रही, दाड़ी मजदूरी कहाँ सा हो? बस जी कभी दाड़ी लग जाती है, कभी ऐसे भूखे प्यासे बैठे बस अपना टाइम पास है, जैसे भी दो दिन में तीन दिन में एक दिन दाड़ी लग जाती है, दो दिन अपना उसमें काम चला लेते हैं, फिर दो दिन में चार दिन में फिर अपना ऐसे चल जा रही। कितने बच्चे हैं आपका? तीन लड़की है जी। तीन लड़कियाँ हैं? हाँ जी। तो भाई देखो क्या नाम आपका? सुरेश। भाई ये सुरेश हैं, दाड़ी मजदूरी करें, कोरोना के टाइम में तो खैर की दाड़ी मजदूरी भी ना मिलती, और तीन इनके गुड़िया है, स्कूल स्कल में जाया करें जी। अभी तो मेरे दिन लग गया बस, यही अभी थोड़े दिन से बैठा हूँ। कितने दिन से बैठे हैं पे? यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे को दो तीन महीने हो गए। दो तीन महीने? अरे ये बस्ती कितने दिन से है? ये बस्ती कम से कम 5-6 साल से। वोटर भी हैं ये या रवे रवे हैं? सिंपल नहीं मतलब कि ये गड़ी लगवा रहे हैं ये तो बाकी तो गड़ी लगवा रहे हैं। अच्छा आप बाल में क्या मतलब अपना किला घर बाल में क्या मत है? अच्छा हाँ ये 5-4 साल तरह है आप आए 4-5 महीने से। अच्छा जब बारिश ज्यादा हो जाएगी तो पानी अंदर बढ़ेगा? माटी मुट्टी गेर कर अपना रोकथाम कर लें और क्या करेगी, सांप सूप भी आ जाते होंगे यहाँ, कीड़ा कांडे का डर है जी, फिर बारिश वेरी छोटा मोटा। तो कहाँ से आए हो आप? आप तो यहाँ जो अपना गाँव मुआना है। अच्छा सिंगाना मुआना। हाँ जी। क्यों आगे उठता है? बस वैसे ही जी अपना, बस यहीं बाहर रहते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, एक माँ के खाना कहीं एक माँ के खा ले, इसलिए अपने बैठे हैं। चलो जगह अपने पास है नहीं सी भाई अपने गांव में जगह भरा जा, बस ऐसे अपना जी जब तक पड़ी है जगह खाली, जब तक टाइम पास है कोई उठाएगा अपना उठ लेगा जब तक। है जी हाँ जब तक बैठे। कितने साल से आप यहाँ पे? छह सात साल हो गया हमने तो। वोट बन रही है आपकी? वोट कहीं के बन रहे कहीं के नहीं बन रहे, मैं तो न्यू भी दो ना मेरी पल्स न बन रही ना ही और कुछ, ये मन समय दान मिल रहा है। राशन कार्ड तो बन रहे हैं सब, राशन कार्ड सबके बन रहे हैं? हाँ किसी के एक एक दो के नहीं बन रहे, न्यू तो सबके बन रहे हैं। हाँ वो किसी का झूठ नहीं बोलना, ऐसे ऐसे एक वैसे हमारा सोना जी क्या बस्ती नहीं है भाई, सरकार को जी क्या जमीन नहीं दवान दे कुछ भी नहीं कर रहे भाई, गरीब आदमी आया यहाँ तक ठवा दिए तो हम कहाँ जावांगे। यो भी तो समस्या सुना दुनिया में आके बढ़ रहे सा जमो नीचे नीचे जान लग रही जब भीतर बढ़ के देखो। विधायक साहब कभी आए हैं यहाँ पे? विधायक एमएलए यहाँ पे आया कभी? आते ही रहा पता है नहीं तो कोई समाधान नहीं होते यहाँ कोई भी जींद मास तक। अच्छा आए तो है जींद में कोई भी नहीं प्लाट नहीं एमएलए होए के हम लोग तो बेरा शहरों में प्लाट मिल रहे हैं दोनों का कभी नहीं आया ना? कौन है? बेरा है हमने सारे डीसी एमएलए का सारा का नंबर है सब जावा में सब मिला मिडा आया था वो कह के जावा है वोट भी देते हैं सब कुछ करते हैं पर समाधान नहीं होते। जो कोरोना चला था कि मैं रोटी पानी दे के गए मिडा दो बार आए थे
फिर नहीं उसके बाद में कोई भी फिर रोटी पानी का जुगाड़ क्यों करो यार। रोटी पानी अभी नहीं काम चला रहे हैं, बाहर जावा हां लेवा आटा उटा मांग के वो खावा। तो मीठा साहब ने दो ही बार करया, बस दो ही बार करया था। अच्छा की कुछ बात करके जाया करे मीठा साहब यहां पे? मीठा तो पास तो आया नहीं, जब कब वहाँ भी गए थे वहाँ अंदर ही नहीं पड़न देवे कोई। जब समय गया हाँ सब समस्या हुई थी, देखो भाई गरीब आदमी अंदर भी नहीं पड़न दे, अभी सच्चाई है। दान कर दियो हमारी तो एक जिग्यां जिग्यां की मदद कर दियो, और कुछ नहीं चाहिए। हम तो हमारा टाइम पास कर लिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी पढ़ान बिठा देंगे या बेचा करवाए। सरकारी स्कूल में भेजो, सरकारी स्कूल में यहाँ से ही यहाँ से ही यहाँ से उठा के तो हम कहाँ से और आवेंगे सरकारी स्कूल में जी। कहे तो हमारा ये जगह काम हमारा वो कर दियो उठैया कर दियो तो हम पढ़न भेज देंगे बच्चे, है ना ही हमारा ठैया होगा तो हम बच्चा ने कहाँ कहाँ पढ़न बिठावेंगे। ऐसे हमारे बच्चे रह रहे हैं जी। आपका आदमी के काम करे? मेरा आदमी तो मर रहा है, मेरा आदमी नहीं, एक छोरी छोरी है मेरे पास ना, पालसन बंद गुजारा करो है देख लियो जी, बस मांगता के लिए और अपना चून चान गुजारा हो जाए ना, पालसन बंद रही, पालसन भी नहीं बंद रही, पालसन भी नहीं बंद रही। वो हो गए सुनो दो साल हो गए कुछ ही, मेरी समय दान को नहीं आई। कितने आदमी रहो यहाँ? बहुत है यहाँ है जी, बहुत है, बहुत बहुत का मतलब 1000 तो हो गए, 500 इतनी होगी, 400-500 होंगे, 400-500 तो भी घट पाओगे, 250-300 होंगे, हाँ इतनी को बच्चों के समेत। हाँ बच्चों के समेत। आपके काम कराया करो ये लोहा वाला बना। अच्छा तो फिर कैसा काम चल रहा है? कुछ काम नहीं चल रहा, कुछ भी काम नहीं चल रहा। देखो ये सब कुछ बच्चे नहीं भी पड़े भुखे करा आप। हम तो हमारे बच्चे भी भूखे हैं और काम ही नहीं चल रहा, क्या करा। पर हमना तो जी कुछ ये नहीं चाहिए, हमना तो एक जिग्यां जिग्यां की मदद करवा दियो बस, थारा जो सुनो धन्यवाद। राशन कार्ड भी ना बन रहा हमारा, तब ये समस्याएं जो इस झुग्गी झोपड़ियों में रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मैं तो आया था समस्या दूसरी लेके, लेकिन जब इनके अंदर घुस जाऊँ वहाँ तो इनकी एक आत्मीयता जो दिखा है, जो झलका है, बहुत बुरा स्थिति है भाई। हम अपने घर में रहूँ वहाँ और बड़े अशोरा में रहूँ वहाँ, जिनके घर चार दीवारी छत है ना, वो ये समझो कि इनसे कितना बेहतर जिंदगी जी रहा है। वो आदमी फिर भी घर में कलेश करे, मेरा तो नाश हो गया इसी बात कह के। अगर वो आदमी ऐसा सोचा है तो 2 मिनट इन बस्तियों में आओ, थोड़ा सा एटीट्यूड कम हो जाएगा और बेरा लगेगा कितने स्वर्ग में आप जी रहे हो। बड़ी खतरनाक स्थिति है, एक रात गुजार के देखो बेरा लग जाओ भाई। तो मैं तो कई बार अपने एटीट्यूड ने अपने ईगो ने नुए कंट्रोल कराया करूँ, हॉस्पिटल में जाया हूँ और जब घमंडो रहो लड़ाई करने का तो एक आधा गेटा शमशान घाट का भी मारा हूँ भाई। और जब नू दिखा भाई मैं तो जमाया मेरे तो दिन उल्टे लागे ने, तो मैं ऐसी ऐसी बस्तियाँ में भी आ जाऊँ। शुगर देता है ईगो एटीट्यूड शांत करने का अपना अपना तरीका, मेरा तो यही है। तो भाई आ जाऊँ अपने दोबारा मुद्दे पर। ये वो रोड है जहाँ पे बहुत बुरा हाल है, अभी बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाएगी ना यहाँ पे कितना पानी होगा अंदाजा नहीं होगा। ट्रैक्टर ट्राली अड़े मुद्दी मरी पाऊंगी, फिर जेसीबी ने बुलाऊंगी, जेसीबी पीछे कितने खच्चे में धसी पाऊंगी और बहुत बुरी स्थिति पाऊंगी भाई। फिलहाल जिंद की स्थिति बड़ी ख़राब है, बाकी हमारे मीडा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत सॉफ्ट आदमी हैं, फिर भी स्थिति खराब है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।